नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव हार्डवेयर एंड साइंटिस्ट। और आप देख सकते हैं ये एक फिलिप्स का 18.5 इंच एलसीडी मॉनिटर आया है जो कि प्रिंस कंप्यूटर से आया है। और इतना मेरे को विश्वास करता है तो यहाँ पे देखिए कस्टमर का नंबर भी लिखा हुआ है। तो गाइज ये विश्वास की बात है। और ये चालू नहीं हो रहा है, यहाँ पे मैं एसी कॉर्ड लगा के रखा हूँ अभी आप देख सकते हैं, पर ये कभी चालू नहीं हो रहा है। तो गाइज ये सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रहा है। और ये कॉर्ड एसी कॉर्ड उन्होंने नहीं दिया मेरे को, ये मेरा ही कॉर्ड है तो ये कॉर्ड में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो गाइस सबसे पहले इसे खोलेंगे और ये एसी कॉर्ड को डिस्कनेक्ट करेंगे। और डिस्कनेक्ट करने के बाद इसे खोलेंगे एक एक करके। ये इसे ऐसे पकड़ना होता है, टूल लग बैठो, टूल बार है। तो गाइस ये एक साइड से करेंगे, किसी एक साइड से ऐसे, ये देखिए ओपन हो रहा है। लेकिन गाइज ये जो प्लास्टिक लगा हुआ है ये इसमें, तो ये बहुत ही हल्का सा है और पतला सा, तो देख के कीजिए, मतलब ये निकालते समय ओपन करते समय ये टूट ना जाए, ये आपको ध्यान में रखना होगा। और ये धीरे धीरे ओपन हो जाएगा। और ओपन होने के बाद बैठो तो गाइज ये ओपन हो चुका है और बहुत ही बड़ा सा मॉनिटर है तो दिक्कत तो होगा ही होगा यहाँ पे इसे ओपन करने में मेरे को, तभी मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ ये मॉनिटर को। सबसे पहले ये जो एलसीडी पैनल है इसे डिस्कनेक्ट करेंगे, ठीक है। और डिस्कनेक्ट करने के बाद और इसे ये इसके नीचे बहुत कुछ है तो इसे आपको ओपन करना होगा, पर ये ओपन नहीं हो रहा। तो मैं आपको दिखाता हूँ ये लॉक है यहाँ पे, मतलब ये आप देख सकते हैं यहाँ पे लॉक है, तो इस लॉक को आपको अनलॉक करना होता है, ठीक है, तब जाके ये ओपन होगा बराबर। और ये लगभग ओपन हो चुका है। और ये पीछे का कवर मैं रख के आपको दिखाता हूँ, सॉरी। और ये आप देख सकते हैं इसका SMPS है, टाइनी SMPS। और यहाँ पे एक IC है, कंट्रोलर IC है, ठीक है, जो है तो है। तो ये चालू नहीं हो रहा है अभी। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, ये फ्यूज को चेक करेंगे। और ये जो डायोड है, ये एक ब्लैक वाला, ये एक ब्लैक वाला, तो ये दोनों डायोड को हम लोग चेक करेंगे। और फिर यहाँ पे कैपेसिटर में कोई दिक्कत मेरे को दिखाई नहीं दे रहा है। तो गाइज सबसे पहले मल्टीमीटर ले लेंगे और डायोड की ऑप्शन, मतलब डायोड जहाँ पे चेक करते हैं ये बाजार की मोड में रख के इसे हम चेक करेंगे। तो गाइस ध्यान से इसे चेक कीजिएगा। और ये देखिए यहाँ पे बीप साउंड दे रहा है। तो गाइस ये डायोड बिल्कुल खराब हो चुका है और ये डायोड में कुछ नहीं दे रहा है, ठीक है। तो ये डायोड को हम निकालेंगे। और ये स्क्रू ड्राइवर किधर है, वो वाला नहीं है, वो वाला। और गाइज ये SMPS को सबसे पहले खोलेंगे और वो अंदर से फ्यूज को भी चेक करेंगे। दो मिनट रुको, ये अभी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है तो हो सकता है अभी हो जाएगा। अगर नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, छोड़ देंगे अभी इसे, तुम्हारा काम कर देंगे, ठीक है। तो गाइज ये सबसे पहले ये बड़ा वाला कैपेसिटर को हम लोग डिस्चार्ज करेंगे ताकि हम लोगों को शॉक ना लगे, पर यहाँ पे डिस्चार्ज हो चुका है पहले। हेलो, हाँ
सुनना, अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, वो मतलब एक मॉनिटर आया है तो उसका रिपेयर कर रहा हूँ। तू थोड़ी देर बाद आना घर में, तो मैं बताता हूँ बराबर। अच्छा ठीक है, हाँ और गाइज ये डायोड में हम लोगों को शॉर्ट दिखाई दिया थे, पर यहाँ पे आपको फ्यूज मिला है ना, ये लाइव मतलब ये फेज का कनेक्शन यहाँ पे जा रहा है और यहाँ पे न्यूट्रल का कनेक्शन जा रहा है डायरेक्टली ये डायोड में, 4 पिन का जो डायोड है इसमें जा रहा है। तो गाइज ये यहाँ पे एक फ्यूजेबल कैपेसिटर PF टाइप का है, तो इसे भी हम चेक करेंगे क्योंकि ये दोनों में से गुजर रहा है ये इलेक्ट्रिसिटी। तो ये डायोड की ऑप्शन में ही रखना होगा आपको मल्टीमीटर को। तो ये अब सबसे पहले जो पहला फ्यूज है तो इसे चेक करेंगे, तो इसमें से देखिए ये फ्यूज काम कर रहा है और दूसरा वाला ये भी अच्छे से काम कर रहा है, लेकिन इसका ओम्स 8 ओम्स है। ठीक है, तो गाइज ये सब ठीक है लगभग। तो जो डायोड में प्रॉब्लम हो रहा था तो इसे निकालेंगे पहले, और निकालने के बाद आपको दिखा पाऊंगा कि इसमें क्या हो रहा है। यही वाला सोल्डर था क्या? ये दूसरा वाला था मेरे हिसाब से, अच्छा वाला था। अच्छा ठीक है, इसी से काम चला लेता हूँ। तो गाइज ये डिसोल्डरिंग करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे सोल्डरिंग करना होगा, और सोल्डरिंग करने के बाद आपको डिसोल्डरिंग पंप लेना होगा जो कि ये है, और इसमें ऐसे करके इसे डिसोल्डरिंग किया जाता है। ठीक है, तो इसे डिसोल्डरिंग करने के बाद ये बाहर निकाल जाएगा, और गाइज ये पूरा का पूरा लगभग डिसोल्डरिंग हो चुका है, और ये मैं बाहर निकाल दिया, पर ये काफी गर्म होता है क्योंकि ये जो इसका लीड है मतलब लेग है, तो गाइज ये लेग इसका होता है ये कॉपर का, प्योर कॉपर का होता है, तो इसलिए ये बहुत गर्म हो जाता है। तो ये आप ध्यान से कीजिएगा, मतलब ये निकालने के बाद भी तुरंत इसमें हाथ मत लगाइएगा तो गर्म लग जाएगा। ये आप देख सकते हैं मैं दोनों साइड में इसे लगा रहा हूँ, और यहाँ पे बीप साउंड सुनाई दे रहा है आपको, और 1 ओम शो कर रहा है, तो इसका मतलब ये डायोड बिल्कुल शॉर्ट सर्किट हो चुका है। तो इसका नंबर आप देख सकते हैं SR5100। तो हम लोग यहाँ पे लगाएंगे दूसरा नंबर का डायोड, क्योंकि ये वाला डायोड हमको नहीं मिलेगा, तो अगर उसमें से नहीं हो रहा है तो दूसरा डायोड लगाना पड़ेगा आपको। ठीक है, क्योंकि ये हाई वाट का डायोड होता है, पर ये लो वोल्टेज में काम करता है। तो गाइज यहाँ पे मेरा डायोड किधर गया, यहाँ पे बहुत सारा डायोड होता है, मोटा वाला डायोड यहाँ पे था ना बहुत सारा यहाँ पे। अच्छा, तो यहाँ पे 2-3 पुराना डायोड है, तो इसे हम चेक करेंगे। ठीक है, तो ये पुराना डायोड है मेरे पास, मतलब ये ओरिजिनल बोर्ड से निकाले थे हम, तो इसे चेक करेंगे, ये बिल्कुल काम कर रहा है। ठीक है, तो इसे लगा के देखेंगे, और ये भी बिल्कुल काम कर रहा है। ठीक है, तो दोनों डायोड सही है, तो इनमें से एक को लगाएंगे। ठीक है, और लगाने से पहले आपको सॉरी गाइस ये पिंक वाला टावल देना होगा, तो ये लगाने से पहले इसे चेक करेंगे कि ये पॉइंट से इस पॉइंट में ये शॉर्ट सर्किट बता रहा है कि नहीं बता रहे। ठीक है, जैसे कि आपने देखा था कि उसमें शॉर्ट सर्किट बता रहा था। तो गाइस मैं बहुत सारा मॉनिटर रिपेयर किया, जैसे कि आपने देखा होगा मेरे चैनल पे, तो ये देखिए यहाँ पे ओम्स आ रहा है, तो इसमें और शॉर्ट सर्किट नहीं है, नया वाला डायोड ये वाला है ना। तो ये डायोड को लगाएंगे, और इसका नंबर आप देख सकते हैं SHS9J4H, इसका नंबर एक बार देख लीजिए SHS9J4H, और इसका और एक नंबर है R306, मतलब 306 इसका नंबर है R306। तो यहाँ पे आपका सिंबल बना हुआ है, तो इसी साइड में आपका पॉजिटिव साइड होगा और दूसरी साइड में इस साइड में आपका नेगेटिव साइड होगा, तो इसी को यहाँ पे लगाएंगे, मतलब ये डायोड को यहाँ पे लगाएंगे, और यहाँ पे दो डायोड यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास 5408 का डायोड है, मतलब जो कि मार्केट में अवेलेबल है, तो वो वाला आपके पास अगर अवेलेबल है तो आप यहाँ पे दो लगा सकते हैं, तो इसके लिए पॉइंट्स बना हुआ है। तो देखिए ये नया जैसा ही है, क्योंकि मैं पुराना LCD मोटर खरीदे थे 200 रुपये में, तो उसमें से इसे निकाल के रखे थे, क्योंकि इसका बहुत इस्तेमाल होता है और ये खराब भी होता है, तो इसलिए उसे लगा दिया यहाँ पे, और ये एक ओरिजिनल डायोड है तो इसे लगाया। और फिर गाइज ये अभी चेक करेंगे कि चालू हो रहा है कि नहीं हो रहा है।
अगर नहीं हो रहा है ना तो दूसरी कार्रवाई करेंगे, ठीक है। ये आईसी भी खराब हो सकता है क्योंकि ये मेन कंट्रोलर आईसी होते हैं ना, तो वो भी खराब हो सकता है। और गाइज ये ऐसे पावर केबल लगाते वक्त आप ध्यान में रखिए कि पावर आपका मेन सप्लाई आपका ऑफ होना चाहिए, अगर ऑफ नहीं है तो आपको शॉक लग सकता है। तो गाइज ये पावर आ चुका है, आप देख सकते हैं बराबर यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, और मैं आपको दिखाता हूँ पीछे से कि इसमें आपको दिखाई दे रहा है नो सिग्नल, सॉरी गाइज यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है नो सिग्नल चेक केबल कनेक्शन। सो गाइज ये मोबाइल मेरे हाथ से गिर गए थे, मतलब वो स्टैंड से, इसके लिए सॉरी। और ये देखिए मैं सिर्फ एक डायोड को रिप्लेस किया और गाइज ये मॉनिटर एकदम सही हो चुका है, ठीक है। तो गाइज थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए, जय हिंद वंदे मातरम, और आप भी आगे बढ़िए, देश को आगे बढ़ाइए और मेरे को थोड़ा सा मदद कर दिए। जय हिंद जय हिंद।